चार क्वेश्चंस को टारगेट किया है, आपने न्यूज देख ली होगी, पढ़ भी लिया होगा आर्टिकल, ठीक है। बाकी सारी करीब 20-25 कोचिंग टारगेट पर है। स्टेप सरकार का बढ़िया है, लेकिन इसमें भी होगा नहीं, टॉपर से तो पैसे लेते हैं, वो भी तो बिकते हैं। आजकल आंसर राइटिंग को लेके, ऐसे राइटिंग को लेके बहुत ज्यादा धांधलबाजी हो रही है। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए एक अलग वीडियो होने वाली है। आपने हाल में एक न्यूज देखा होगा जिसमें चार कोचिंग जो UPSC की थी उसमें जुर्माना लगा है, और भी बहुत सारी कोचिंग जिनको सरकार ने टारगेट में लिया था। इसकी सारी सच्चाई, कोचिंग की जो डार्क रियलिटी आप बार बार वीडियोस में देखते हैं कि कोचिंग की ये डार्क रियलिटी है, और साथ ही इतने टॉपर इस कोचिंग से निकल रहे हैं, हर कोचिंग वाले अलग अलग टॉपर को अपने यहाँ का दिखाते हैं, और साथ ही टीचर की जो रियलिटी है ये भी इस वीडियो का मोटिव होने वाला है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ है विजेंद्र भाई, तो विजेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस बारे में पहले आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि देखो, जो न्यू बिगनर होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है किसी भी कोचिंग को कैसे ज्वाइन करना है। तो आज की जो वीडियो उसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं कि एक जो बिगनर होता है उसको किसी कोचिंग को कैसे चूज करना चाहिए, पहला फैक्टर ये। दूसरा, कोचिंग पर कितना विश्वास करना चाहिए, कोचिंग क्या फ्रॉड करती है, क्या डार्क रियलिटी रहती है। तीसरा, जो टॉपर्स का हेर फेर रहता है, टॉपर्स की जो डार्क रियलिटी रहती है उसके बारे में बात करेंगे हम। इस वीडियो को ब्रेक डाउन करते हैं और एक नॉर्मल डिस्कशन वीडियो है, ठीक है। हम क्यों बोल पा रहे हैं इसके बारे में, रीजन ये है कि पिछले 4-5 साल से हम यूट्यूब पर इनके वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, और साथ में पिछले दो साल हो गए तब से हम इनको रेलते भी आ रहे हैं। काफी सारी वीडियो हमने इनकी डार्क रियलिटी बताई भी है, और हम इस पर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, उसी बेसिस पर ये वीडियो हमारी रहने वाली है। तो आप बताइए, ये जो चार टारगेट में आई थी कोचिंग, और भी बहुत सारी जो कोचिंग वो टारगेट में आ सकती है, तो इसको लेके आपने देखा होगा न्यूज, तो उस न्यूज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आ सकता है इसकी? सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे, न्यूज देख के हमें काफी ठीक लगा कि सरकार ने ये कदम उठाया। तब से काफी सारी चीजें छुपी हुई आ रही थी, अभी उजागर हुई हैं। बेकार हमें ये लगा कि सिर्फ 1 लाख का जुर्माना ठोका इन पे, 1-1 लाख का, इन पर कम से कम 1-1 हजार करोड़ का जुर्माना ठोकना चाहिए, क्योंकि 1 लाख तो इनके लिए एक सेकंड से भी कम है। से ज्यादा तो 1-1 करोड़ तो ये 1-1 टॉपर पर यूं ही लुटा देते हैं प्रमोशन पे, 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए 1-1 टॉपर पर यूं ही लुटा देते हैं। चार कोचिंग्स को टारगेट किया है, हालांकि हम यहाँ पर नाम लेने से बचेंगे, आपने न्यूज देख ली होगी, पढ़ भी लिया होगा आर्टिकल, ठीक है। बाकी सारी करीब 20-25 कोचिंग टारगेट पर है। स्टेप सरकार का बढ़िया है, लेकिन इसमें भी होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिली भगत है, पूरा प्रशासन है, जिस चीज से पूरा सिस्टम चल रहा है ये चीजें दब जाएंगी। हमारी आंखों में जो चीज दिखाई जा रही है वो कभी उजागर नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम इस पर एक हेल्दी डिस्कशन ये कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या चीजें सीखनी चाहिए क्या नहीं, और इनका मेन तो यही है, हाँ, स्टूडेंट ओरिएंटेड ही चीजें होनी चाहिए। उसमें आर्टिकल में लिखा भी था कि टॉपर्स का हेयर फेयर है। टॉपर्स के हेयर फेयर में बताना चाहेंगे, देखो जब एक एस्पिरेंट होता है ना, वो अपने पूरे UPSC के जर्नी में काफी सारे स्टेप्स पर किसी कोचिंग की हेल्प लेता है। जब एक बिगनर होता है तो पहले सिलेबस हुआ, PYQ हुआ, NCERT हुआ, स्टैंडर्ड बुक हुआ, या किसी कोचिंग का बस रजिस्टर कर लिया तो वो वाला हेल्प ले सकता है, वहां से कुछ नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लिया तो लॉग इन वायर हो जाता है। इनके पास बहुत हैवी टीम रहती है जो पूरी चीज को एनालिसिस करती है कि किसने, हमारे पास मतलब पूरा टीम रहता है कि पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे रजिस्टर हुए, अगर गलती से कोई टॉपर बनता है तो हम क्लेम कर सकते हैं ये हमारा टॉपर है। ये तो बहुत फ्री वाला सिस्टम है। दूसरा, अगर मैंने किसी कोचिंग ज्वाइन किया है, वो कोचिंग मेरे लिए कितनी फायदेमंद रही है, कितनी रेलिवेंट रही है, क्या उसमें कितना कंटेंट मेरे लिए बेनिफिशियल था, क्या मैंने उसकी क्लासेस करी भी नहीं करी, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। और जो डार्क रियलिटी रहती है ना, वो ये रहती है कि कोचिंग सबसे पहले जो हेर फेर करती है वो करती है इंटरव्यू वाले सेक्शन में। आपको बताना चाहेंगे, हमने बताया फ्री वाला सेक्शन रहता है, प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ते हो आप, मेंस के लिए पढ़ते हो, इंटरव्यू के लिए पढ़ते हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा कोचिंग से, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप इंटरव्यू पैनल में जाके सामने बैठ पाओ। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मॉक इंटरव्यू होते हैं। मॉक यानी, मॉक का मतलब होता है नकली इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, जो आपके पॉपुलर कोचिंग वो सारी कराती हैं। अब तो ये धंधा बन गया है। धंधा शब्द इसलिए बोलना चाहते हैं कि मान के चलो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी तैयारी करी है, पूरा सब कुछ किया है, आज मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, ये कोचिंग वाले पहली बात तो जिस कोचिंग में हाई प्रोफाइल के टीचर्स बैठे हुए हैं, जो हमसे बात करने से भी कतराते हैं, बात करना तक नहीं जाते, अगर आपका मेंस निकल जाता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, जिसमें इतने हाई प्रोफाइल के लोग बैठे रहते हैं, उन सबको फ्री कैसे करा सकते हैं। पहले सोचने वाली बात यह है, कोई कोई कोचिंग 500-1000 रुपए भी लग जाते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि अब उस कोचिंग में गया हूं तो मैं किस लिए गया हूं, अपने फायदे के लिए। मेरा फायदा यह है कि मैं, मेरी पर्सनलिटी पता पड़ेगी मेरी कैसी है, क्या इंप्रूवमेंट है वो।
ये एक मेरा डेमो इंटरव्यू है, एक मॉक इंटरव्यू है ना, एक नकली इंटरव्यू है जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। यही कोचिंग वाले क्या करते हैं कि ये बच्चा मेरे पास से पढ़ा है, यही डेटा अगर कोई टॉपर बन जाता है तो ये दिखाते हैं कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ, तुरंत उसी दिन इंटरव्यू रिलीज करने लग जाते हैं। ये हर साल सैकड़ों इंटरव्यू करते हैं, उन सैकड़ों में से अगर 2-4, 10-15 टॉपर या 20-25 जितने भी होते हैं नहीं तो है, हम फिर सबके पास जाएंगे। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू में हर साल 1000 सीट के आसपास रहते हैं, कभी 1800-750 के आसपास, 1100 भी हो जाती है, एवरेज 1000 होती है। यूपीएससी बुलाता है करीब करीब 3 गुना लोगों को, यानी 3000 एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। उन 3000 में से कितने सारे लोग इन कोचिंग्स के टारगेट पर रहते हैं, कितने इंप्रूव करने के लिए आते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं। तो इनके पास पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि हमारे पास कौन किसने प्रीलिम्स का किया, किसने क्या किया है, किसने ये किया है, कितना क्या किया है, वो सारा रहता है, उसी का हेर फेर रहता है। तो डार्क रियलिटी ये है समझने वाली, मैंने किस कोचिंग से कितना बेनिफिट लिया है कोई डेटा नहीं, मैंने प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ा है कोई मतलब नहीं, मेंस में आंसर राइटिंग, एसी में आंसर राइटिंग, इंटरव्यू पैनल में कितना हेल्प हुआ कोई मतलब नहीं, उनको दिखाने से मतलब है ही इज माय स्टूडेंट या शी इज माय स्टूडेंट। ठीक है, किस टॉपर को कौन सी कोचिंग किस हिसाब से अपना स्टूडेंट कह सकती है, आखिर मान लो कहीं ना कहीं से वो पढ़ा ही होगा, तो आपको क्या लगता है किस हिसाब से कहना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट है? देखो यहाँ पे दो एस्पेक्ट बोलना चाहेंगे, एक स्टूडेंट का एस्पेक्ट है, एक है कोचिंग का एस्पेक्ट। हर एक कोचिंग चाहती है कि मेरा नाम हो, जो सही चीज भी है, लेकिन वो नाम एक जायज तरीके से होना चाहिए, नाजायज नहीं। हर साल 1000 लोगों का करीब सिलेक्शन होता है, आप देखोगे तो काउंट करने लगो ना, कम से कम हर साल 5000-10000 इतना डेटा रहता है कि कोचिंग्स वाले क्लेम कर दे कि हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है, और इतना डेटा तो पहली बात रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आधार क्या रहता है इनका, आधार के बारे में बात करना चाहेंगे। अगर आपने इनकी वेबसाइट पर सिर्फ लॉगिन ही कर लिया, कोई फ्री कंटेंट डाउनलोड कर लिया या ट्रैक भी कर लिया, तो वहां से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने इनका कोई प्रीलिम्स का मेंस का कोई कोर्स खरीद लिया, टेस्ट सीरीज खरीद लिया, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, डाउट सेशन, कुछ भी इनका यहां से कर लिया, रजिस्ट्री में अगर आपका नाम जुड़ गया ये आपको क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हथियार है, जो हमने एक्सप्लेन किया, इंटरव्यू वाला, मॉक इंटरव्यू वाला, इन ये 4-5 फैक्टर रहते हैं, इस पर ये कर लेते हैं। अब बात करें, ये 4-5 फैक्टर रहते हैं, इन पर ये क्लेम कर सकते हैं कि ही इज माई स्टूडेंट या शी इज माई स्टूडेंट। अगर बात करें एस्पिरेंट के सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से कि टॉपर क्यों नहीं इसके बारे में रिवील करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, टॉपर्स की क्या रियलिटी है। इसमें आते हैं दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट आता है कि सॉफ्ट कॉर्नर हम बोलना चाहेंगे, मान के चलो मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी और तैयारी 2-3 साल 4 साल तक चली जाती है, किसी कोचिंग से मैंने कुछ पढ़ा है, किसी कोचिंग से कुछ पढ़ा है, और सबसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया है। अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे क्या पता मैं आगे चल के टॉपर बनूंगा? आप एक एस्पिरेंट हो, आपने यूपीएससी दिया, आपको क्या पता आप टॉपर बनोगे? तो जब आपको पता ही नहीं आप टॉपर बनोगे, तो आप तो हर जगह हाथ पैर मारोगे ना कि मुझे कहाँ से कुछ बढ़िया मिल जाए। और अगर आपने हाथ पैर नहीं भी मारा तो मॉक इंटरव्यू में तो जाओगे ना प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन सारे बेसिस पर एक एस्पिरेंट की यहाँ पर गलती नहीं रहती है, वो एक पहले एस्पिरेंट ही होता है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तब जाके वो, मतलब जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब जाके वो एक ऑफिसर या सिलेक्टेड कैंडिडेट कहलाता है, जिसको टॉपर की कैटेगरी में लाते हैं। टॉपर में कुछ टॉपर ऐसे हैं जिसको हम बोलना चाहेंगे, जो हमारे वन ऑफ द फेवरेट हैं, कनिष्क कटारिया। उन्होंने 2019 में इस चीज को बोला भी था कि कोचिंग्स वाले किस तरीके से क्लेम करते हैं, उस टाइम पर हमारा दिमाग गया था 2019 से, हमको इनके रिलेटिव पता है और ये इसमें क्या धांधलीबाजी करते हैं। हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज में, जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें यूपीएससी के डार्क रियलिटी है, वो वाली पूरी प्लेलिस्ट है, आपने भी देखी होगी, 15-17 वीडियोज डाली, उसमें पूरा डिटेल बता रखा है किस तरीके से करते हैं, हमने नॉर्मल गाइडेंस वाली वीडियो में बताते रहते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर रहते हैं। टॉपर्स वाला जो फैक्टर रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर, ये कि कुछ बोल नहीं पाते, मजबूरी में रहते हैं, टर्म एंड कंडीशन बंधे रहते हैं। आपने देखो मेरा कुछ फायदा गया, मैं कोचिंग वाला हूँ तो मैं कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन बांधूंगा कि मेरे आप स्टूडेंट हो, तो यही वाले फैक्टर रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन बंधे रहते हैं। लेकिन टॉपर होने के बाद में इस चीज को आप कह सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, लेकिन कुछ टॉपर बिक भी जाते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अगर रियल में कोई स्टूडेंट अगर उस कोचिंग से पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है किस आधार पे उस कोचिंग वाले को एक प्रूफ के साथ कहना चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट है? क्या उसका जो जीएस वाला बैच है वो करना उसको जरूरी है, या कोई उसका बैच लिया हो तब वो कह सकता है, तब वैलिड माना जाए? सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है मॉनिटर करना किसी भी चीज को। मॉनिटरिंग का मतलब है हमारा, मान के चलो आजकल हर एक क्लास में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, तो जब एक एस्पिरेंट है क्लास में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसके वीडियो लेक्चर होते हैं। अगर किसी, हालांकि ये चीज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो प्रशासन ने बोल दिया कि हमें क्लेम दो, मतलब हमें सबूत दो, हमें इस चीज का क्लेम करना है कि आपके यहाँ का टॉपर नहीं है, तो आप कम से कम 300 क्लासेस ले रहे हो, तो कम से कम 100-150-200 इतनी वीडियो क्लासेस दिखा सकते हो। मान के चलो बच्चा वो भी नहीं कर रहा, तो अगर उसने ऑनलाइन पढ़ा होगा तो ऑनलाइन में कितनी क्लासेस पढ़ी है, कितने वॉच हिस्ट्री है, कितना वॉचिंग आवर्स है, कितना उसने टेस्ट दिया है, वो हो सकता है। दूसरा जो मॉनिटर हो सकता है,
कितने उसने प्रीलिम्स के टेस्ट दिए, कितना उसका स्कोर रहा है, मेंस का कितने स्कोर है, कितना स्कोर रहा है, और आपने उसमें कितना भागीदारी करी है। आजकल आंसर राइटिंग को लेके, ऐसे राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा धांधलबाजी हो रही है। यहीं पे डिस्कस करते रहे, पॉइंट थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप आराम से सुनना, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है ना, देखो यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगी, हम भी कोशिश करते हैं ऐसी वीडियोस क्रिएटर्स बनाएं। हमारा जो अपने जो अदर क्रिएटर्स हैं उनको भी बोला कि ऐसी वीडियो महीने में बनाते रहा करो। इसके पीछे क्या है कि स्टूडेंट बिगनर वो मिसगाइड ना हो, इंटरव्यू से थोड़ा सा जो इंटरव्यू लेते हैं चाहे टीचर लें या जो यूट्यूबर होते हैं उससे थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी जाता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन भी यही था कि एक स्टूडेंट समझ पाए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना उसका स्कोर रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कितना रहा है, और उस कोचिंग में कितना उसको इम्प्रूव किया है। सबसे बड़ी जो धांधलबाजी होती है ना, होती है आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, इंटरव्यू की तैयारी में। आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग में बोलोगे कैसे होती है, तो डेली आंसर्स कराते हैं? नहीं, एक आंसर को लिखने का फॉर्मेट होता है। ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। मान के चलो मैंने आंसर लिखा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्या करते हैं टिक लगा देंगे और बोल देंगे ये क्या करते हैं कि स्पष्टीकरण बढ़िया है या एक्सप्लेनेशन बढ़िया है। अगर उसमें उन्होंने 4 मार्क्स मेरे काटे हैं, 5 मार्क्स मेरे काटे हैं, 6 मार्क्स मेरे काटे हैं 10 में से, ये नहीं बताते क्यों काटे हैं, आप इसमें क्वालिटी को कैसे एनहेंस कर सकते हो। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा फ्रॉड ही होता है, और ऐसे राइटिंग में तो एक अलग लेवल का होता है। ऐसे राइटिंग वो कॉपी चेक कर रहा है, हमारे साथ में जो क्रिएटर्स हैं सबको पता है ये सारी चीज़ें, और 2-4 लोगों को हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी नामी कोचिंग में काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि खुद का मेंस लिखा नहीं है कभी, इंटरव्यू कभी लिखा नहीं है, और मेंस की कॉपी चेक कर रहे हैं किस बेसिस पे कि उनके पास एक डेमो आंसर होता है। लेकिन एक आंसर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग दो एक ऐसे पेपर होते हैं, आंसर राइटिंग का पेपर जीएस में इंक्लूड हो जाता है, ये ऐसे होते हैं कि एक स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस देखा जाता है, सोचने का जो तरीका होता है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है जो डेमोस है उससे बहुत बढ़िया हो सकता है, हो सकता है खराब हो, आप उसको भी एवरेज मार्क्स दे रहे हो तो वो कैसे इंप्रूव करे। तो क्या है ना, आंसर जो चेक करने का तरीका है वो बहुत गलत है, उसमें ये सारी कोचिंग वाले धांधलबाजी कर रहे हैं, सबका बोल रहे हैं हम। ठीक है, आपने बहुत ही स्पष्ट बात में बोला और इतना एनालिसिस किया हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपर्स हैं तो इनको दिक्कत नहीं होती कि इस कोचिंग में तो मैंने पढ़ा नहीं है तो फिर यहाँ मेरा क्यों छपा गया है, उस कोचिंग में नहीं पढ़ा हूँ तो वहाँ क्यों हम मेरा ऐड दिखाया जा रहा है, तो ये क्या ये नहीं बोल सकते, इनको नहीं बोलना चाहिए? इनको देखो बोलना चाहिए, क्योंकि अब हर किसी की एक मजबूरी होती है। पहला तो देखो टर्म एंड कंडीशन वाला हमने बता दिया कि ये फंस जाते हैं इस वजह से नहीं बोल पाते हैं। दूसरा, अगर ये गट्स रखते हैं तो बोल पाते हैं। अभी तक कनिष्क कटारिया ने बोला था, शुभम कुमार रैंक 2020 या 21 के थे, उन्होंने भी बोला था इस चीज़ को कि मैंने उस कोचिंग से लिया नहीं और उस कोचिंग ने मेरा क्लेम कर दिया। एक एस्पेक्ट ये होता है कि बोलना ही नहीं चाहते, फालतू में रिस्क लेना नहीं चाहते, और बोलने से थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उस वीडियो क्लिप को ये डिलीट कर देंगे, क्या करेंगे। अगर वो टॉपर वो अगर अपने चैनल पर बोले, यूट्यूब पर बोले, तो खुल के हो सकता है, ये उस वीडियो को भी टेक डाउन करा सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। दूसरा क्या है, नेगेटिव जो कॉर्नर आता है, ये तो है सॉफ्ट कॉर्नर के, ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। टॉपर्स भी तो पैसे लेते हैं, वो भी तो बिकते हैं, सब टॉपर नहीं बिकते हैं, लेकिन हालांकि अब ऐसे हैं कि बिकेंगे नहीं तो सॉफ्ट नेचर में चले जाते हैं कि पैसे लेने लग जाते हैं, तो उस चक्कर में ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, सब नहीं इस चीज़ को कह पाते हैं, सब के अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है। हर पैसे कमाने एक सही चीज़ है लेकिन एक मिसगाइडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे, अपने कान रखो चौकन्ना, किसी के हिसाब से मत जाओ। कोचिंग वाले हुए या टॉपर हुए या कोई भी यूट्यूबर हुआ, कोई भी टीचर हुआ, इन्फ्लुएंसर हुआ, ये सब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आप ये देखो आपके पास बजट है, हम ये बोल के चलेंगे, आप आँख खोल के तो पहले नहीं जा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं तो ठोकर खाओगे। गलती हर एक कोई करता है, लेकिन गलती कौन कितनी कम कर रहा है वही सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन कितनी गलती से सीख कर चल रहा है वही उतने, क्योंकि आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, पैसा सब कुछ उसमें लगाते हो। कभी भी आपको ये चीज़ बोलेंगे कि अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए मत बोलना, अपने मम्मी पापा को, कि पैसे कर्जे पे ले लो, लोन ले लो। हमने ऐसे ऐसे तक माँ बाप देखे हैं जो IAS की तैयारी के नाम पर अपनी जमीन बेच देते हैं, गहने वो बेच देते हैं, और मुश्किलों से रहते हैं, अपना खर्चा उतना अच्छे से नहीं चलाते, बच्चों को भेजते हैं। आपने इतना डार्क रियलिटी बता दिया कोचिंग का, कोचिंग से भरोसा ही उठ जाएगा बच्चों का, तो बैलेंस कैसे बैठाना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, या करना ही नहीं है? सबके अपने प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है, हम ऑनलाइन का ही प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे भरोसा वाली बात नहीं है, बात है जिस ट्रस्ट के लिए एक स्टूडेंट किसी कोचिंग में जा रहा है क्या वो उसको उतना मिल पा रहा है, तो उसकी रियलिटी है ना। अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि कुछ तो मिल रहा होगा, लेकिन उस कुछ तो के लिए आप बहुत अपनी जो हार्ड अर्न मनी होता है उसको लगा रहे हो, वो लगाना गलत है। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो लगा दो।
दूसरी चीज ऑफलाइन के अपने प्लस पॉइंट ये रहते हैं कि टीचर के साथ में आपकी कनेक्टिविटी ठीक हो जाती है, फिजिकल एनवायरनमेंट मिल जाता है, आसपास रहोगे लाइब्रेरी मिल जाएगी बढ़िया और बुक मिल जाती है अच्छी अच्छी, सेकंड हैंड बुक मिल जाती है अगर आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है आपको, माहौल मिल जाता है और क्या है डिस्कशन कर सकते हो। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है टेस्ट सीरीज को आप आराम से वहाँ पर चेक करा सकते हो, आंसर राइटिंग को आप दे सकते हो वहाँ पर, टेस्ट सॉल्व होते हैं वो कर सकते हो, ये प्लस पॉइंट रहते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट टाइम एफर्ट ज़्यादा लग जाता है, पैसा भी आता है और आपका वहाँ पर रह रहे हो तो वो वाला खर्चा है और दिल्ली है हमने मतलब जितना पूरा एनवायरनमेंट है पॉल्यूशन वगैरह, मतलब अगर फायदा इतना है तो नुकसान इतने हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, ये बोलना चाहेंगे ठीक है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के देखो प्लस पॉइंट ये देखे जाते हैं, सबसे पहले तो पैसा ही कम हो गया, दूसरी चीज मान के चलो मैं दिल्ली नहीं जा सकता, दिल्ली जाने के लिए पर मंथ का खर्चा कम से कम 15-20 हज़ार का होना चाहिए और वो आपके रहने के स्टैंडर्ड के ऊपर है कैसे आप रह रहे हो, 15 हज़ार नॉर्मली मान के चलो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका वो वाला पैसा ही बच जाएगा। दूसरा एनवायरनमेंट अगर आपको ऑनलाइन भी नहीं मिल पाएगा एनवायरनमेंट के लिए भी आपको, लेकिन सोल्यूशन बताएंगे जो स्टूडेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए सोल्यूशन कि एक फिजिकल टच नहीं मिल पा रहा है। देखो टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग ऑनलाइन भी चेक हो जाती है, बस एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन हो जाए आपसे या कोई आप 2-3 हज़ार का कोर्स ले सकते हो ना, जहाँ पे आप 8-10 लाख रुपए लुटा रहे हो 2-3 साल के अंदर, तो आप कोर्स भी ले सकते हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही स्पष्टता से चीजों को रखा, डार्क रियलिटी आप बार बार सुन रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं ऐसी शानदार अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। विजेंद्र भाई थैंक यू सो मच।